अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कायम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू। मोस्ट डिमांडिंग है और मैंने काफी सारे ग्रुप्स फेसबुक पे देखे थे, उनको इस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए था, तो मैंने कहा पहले मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट आउट कर लूँ और डेफिनेटली फिर मैं आपको इस प्रोडक्ट का जो है आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। मैं सईद गनी का हेयर ग्रोथ वाटर, और ये जो है स्कैल्प को नरिश करता है और हेल्दी बनाता है, हेयर फॉल को रोकता है, और इसके यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से ये प्रिवेंट करता है हेयर लॉस को। यहाँ पर लिखा है इन्होंने हेल्प टू प्रिवेंट द हेयर लॉस एंड इम्प्रूव द हेयर ग्रोथ, नरिश स्कैल्प एंड रूट्स, मेकिंग योर हेयर थिकर एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, बड़ा क्लेम है भाई। और प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट से, सन रेज से और पोल्यूशन से, और इसके अलावा क्योर एंड प्रिवेंशन करता है डैंड्रफ से भी। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव लगा मुझे, तो मैंने कहा चलें जी इसको ट्राई देते हैं, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, इसे ले लिया जाए और इसको ट्राई किया जाए। और मैंने फिर इस प्रोडक्ट को ट्राई किया। ये एक स्प्रे बॉटल के अंदर आता है और यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सा क्लेम भी दिया हुआ है, जो कि लिखा है अटेंशन डिस्क्लेमर, वी डू नॉट एंटरटेन एनी क्लेम प्रॉब्लम, दिस इज द ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट्स नॉट मीन दैट कि ये आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है, इन सारे जो यहाँ पर मैसेजेस दिए हुए हैं उनके लिए। तो उन्होंने पहले कह दिया कि हाँ ये वर्क कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, तो आप इसको एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदें, पर ये एज अ प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रोडक्ट जो है वो नहीं है। तो ये इस तरीके से स्प्रे के अंदर आती है ये बॉटल। मैं इसकी एक बॉटल यूज कर चुकी हूँ और ये मेरी बॉटल जो है ये सेकेंड है, इसीलिए ये आपको इतनी भरी हुई यहाँ पर ये नजर आ रही होगी। और ये लिखा हुआ है कि जी ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, ड्राई, ऑयली, वॉल्यूमाइजिंग और थिन हेयर, सबके लिए है ये। और ये इस तरीके से जो है ये स्प्रे, इस तरह आप करें तो ये स्प्रे उड़ता है और इसको इस तरीके से रूट्स में जो है वो आपको स्प्रे करना होता है, तो फिर ये इसका रिजल्ट आता है। तो मैंने इसको यूज किया, तो अगर मैं अपने कंक्लूजन की बात करूं तो बस यही है कि अगर आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मे बी कि इसके रिजल्ट आपको विजिबली तौर पर दिखे, लेकिन अगर आप एक दो बॉटल्स तक ही इसको यूज करेंगे तो इसके कोई खास रिजल्ट नहीं है। ये जस्ट स्प्रे कर सकते हैं, बालों को हल्का सा सॉफ्ट कर देता है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा ये आपके डैंड्रफ को जो है वो कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। ऑब्वियसली अब 260 रुपीज इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देना ही है, बट अगर आप अपने हेयर फॉल का कोई प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो आपके बालों के मसलों को हल कर देगी। और ये ओवरऑल जो है बस एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही है जो दिल बहलाने के लिए, कि गालिब ख्याल अच्छा है, तो आप इसको ट्राई दे सकते हैं। अदरवाइज जो है ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर ही जाकर ये काम करेगी। लाइक अगर आप इसे विद इन अ ईयर यूज करें तो मे बी कि इसका कोई रिजल्ट दिख जाए, लेकिन मैंने इसको सिर्फ एक बोतल यूज किया तो मुझे इसका कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट जो है वो नहीं मिला। तो अगर आप इसको ट्राई देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे दे सकते हैं, इट इज जस्ट 260 रुपीज, तो आप इसको यूज कर लीजिए। अदरवाइज दिस इज नॉट अ वेरी गुड इफेक्टिव प्रोडक्ट, दिस इज एन एवरेज प्रोडक्ट, तो वो भी लॉन्ग टर्म यूज करने पर। तो आप देख लीजिए अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं। तो ये था मेरा एक शॉर्ट सा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेकर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, तो आप इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको इस प्रोडक्ट को लेकर कंफ्यूजन है। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।